साल 2007 में एक इंटरव्यू में शेफर्ड बैरन ने कहा था कि उनके दिमाग में एक दिन ख्याल आया था कि मेरे पास ब्रिटेन या फिर दुनिया में कहीं भी पैसा निकालने का कोई तरीका होना चाहिए। चॉकलेट बार देने वाली मशीन की तरह, जिसमें से चॉकलेट के बजाय पैसे निकलें। बार्कलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने शेफर्ड के साथ करार किया और काम शुरू हो गया। तब तक प्लास्टिक कार्ड इजाद नहीं हुए थे, सो इस मशीन में चेक इस्तेमाल होते थे एंड चेक में कार्बन 14 लगा होता था, जो मशीन पहचानती थी और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन की मदद से चेक की जांच करती थी। उस दौर में मशीन 10 पाउंड से ज्यादा रकम नहीं निकालती थी। पिन 4 अंकों का ही क्यों बना, इसका राज भी शेफर्ड ने जीते जी बता दिया था। दरअसल उन्हें 6 अंक वाला अपना आर्मी नंबर याद था, लेकिन पत्नी कैरोलिन ने उनकी एक नहीं चलने दी। शेफर्ड ने इंटरव्यू में यह बताया था कि उनकी पत्नी को सिर्फ 4 अंक ही याद रहते थे, इसलिए उसकी वजह से पिन में 4 अंक ही विश्व मानक बन गए। आज भी 4 डिजिट का ही पिन चलन में है। आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी के लिए एटीएम से कितनी आसानी हो गई है बैंकिंग व्यवस्था? एटीएम अगर न होता तो हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हमें पैसे कैरी करने की ज़रूरत पड़ती, आज वो करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने पर्स में एक कार्ड रखते हैं, वहाँ से जाते हैं विड्रॉल कर लेते हैं, हमें चोरी का चिंता नहीं है, हमें किसी भी पॉकेट मारी का चिंता नहीं है। हम कहीं भी रहें, ऑल ओवर इंडिया रहें, अगर इंटरनेशनल कार्ड है तो ऑल ओवर वर्ल्ड हम रहेंगे, हम सुविधा में रहते हैं। लेकिन अगर वो ना रहता तो हम यहाँ से पैसे कैरी करके ले जाते और हमेशा मेरा ध्यान उस पैसे को बचाने में रहता। ये एक सबसे बड़ा हमारे जीवन का भिन्न अंगों में से एक ये है एटीएम। मुझे ये बताइए, आप तो यूथ हैं, आपके लिए एटीएम का क्या मतलब है? एटीएम हमारे ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जिससे हम कहीं रास्ते में या कहीं सफ़र में जा रहे हैं या किसी भी इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ गया तो एटीएम से हम मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जितनी भी आवश्यकता है उसको हम पूरा भी कर सकते हैं। यदि एटीएम से हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसमें हम जैसे आपका बिजली का बिल हुआ, तमाम जो सरकारी सुविधा हो गया, इससे हर एक क्षेत्र में सभी लोगों को इससे बहुत राहत है। जो भाई साहब, आपके लिए एटीएम का क्या मतलब? अरे एटीएम का मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि पैसा ले जाना कैश में डर लगता है, आजकल लोग आगे पीछे लगे रहते हैं, जिसको पेमेंट करना है आराम से निकालिए, इधर उधर आगे पेमेंट कर दीजिए, सबसे बड़ा फैसिलिटी तो ये है। और तुरंत मैसेज आ जाता है, खतरे की संभावना, चोरी चमारी संभावनाएं कम रहती हैं। तो ये देखिए, आम लोगों ने एटीएम के महत्व के बारे में बताया, व्यापारियों ने एटीएम के महत्व के बारे में बताया। साल 2010 में बैरन ने 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके आविष्कार की बदौलत दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।